30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर घर पहुंचते हैं, उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसीज में काम करते थे। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आई। अब सवाल है कि भारत सरकार और पूर्व नेवी अफसरों के पास आगे क्या रास्ता बचा है, आइए एक एक करके जानते हैं। कतर की आंतरिक कानून व्यवस्था की ऊपरी अदालत ने अपील। ये फैसला दोहा स्थित कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर में सुनाया है। दोहा डायरेक्टरी वेबसाइट के अनुसार ये कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केस सुनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ एक ये ट्रायल कोर्ट है। इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेवी के पूर्व अफसर इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपील कर सकते हैं। ऊपरी अदालत में हमारे पूर्व अफसर या उनके वकील साबित कर दें कि वो बेगुनाह हैं, तो उनकी वापसी संभव है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करना। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकता है। यहाँ मामले की सुनवाई होगी। यूनाइटेड नेशनल चार्टर के आर्टिकल 94 के अनुसार यूनाइटेड नेशन का मेंबर देश जो उस मामले का पार्टी होगा वो ICJ के फैसले को मानेगा। ये आखिरी फैसला होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। इतना जरूर हो सकता है कि किसी फैसले के किसी शब्द के अर्थ को लेकर आशंका या संशय हो तो उसे जानने के लिए दोबारा अपील की जा सकती है। देश और उसके कोर्ट को ICJ का फैसला मानना ही होगा, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि हिस्ट्री में रेयर ही कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें देश में ICJ का फैसला नहीं माना होगा। उदाहरण के लिए 1991 में सेंट्रल अमेरिकी महाद्वीप के छोटे से देश निकारागुआ के पक्ष में फैसला आया। निकारागुआ ICJ में अपील की थी कि अमेरिका ने वहां सरकार के खिलाफ काम करने वाले संगठनों की मदद कर युद्ध छेड़ दिया था। अमेरिका ने वीटो पावर यूज कर डिसीजन मानने से इनकार कर दिया था। ICJ के पास कोई डायरेक्ट पावर नहीं है जिससे वो अपने फैसले को लागू करवा सके, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इसका फैसला मेंबर होने के नाते मानते हैं। जासूसी मामले में पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। 17 जुलाई 2019 को नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा पर पुनर्विचार करने को कहा था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि वो तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता जब तक ICJ के मामले में सुनवाई हो रही है। पाकिस्तान ने फैसले को माना और आज भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है, उन्हें फांसी नहीं हुई है। अगर हम ICJ में जाते हैं और ये केस जीत जाते हैं तो ये संभव है। इसका उदाहरण इटली मैरन्स केस है जिसमें 2 भारतीय नागरिकों की हत्या करने के बाद भी उन्हें हमें रिहा करना पड़ा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।